नगरी निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, नगरपालिका क्षेत्र नगर निगम दोनों में मास्क का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 1,45,000 से अधिक मास्क बांटे जा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा मास्क वितरण का कार्यक्रम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा मास्क वितरण करेंगे। 14 अगस्त तक हम लोगों ने प्रत्येक नगरी क्षेत्र में कोरोना के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम लोग नगर पालिकाओं के माध्यम से एक मास्क बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है, और उससे जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको निःशुल्क मास्क हम लोग देने का काम कर रहे हैं। इसमें कल तक हम लोगों ने 1,47,000 मास्क पूरे प्रदेश में लोगों को वितरित किए हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी, उसका हम लोगों ने स्लोगन दिया है। और दूसरा, पूरे प्रदेश में इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस आए, इसलिए प्रत्येक नगरी क्षेत्र में, जो बड़ी नगरी क्षेत्र है, वहाँ 30-30, 40-40 गाड़ियाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं। जो छोटी नगर पालिका है वहाँ पर 8-8, 10-10 गाड़ियाँ, और छोटी हैं तो 4-4, 5-5 गाड़ियाँ अनाउंसमेंट के लिए कोरोना के विरुद्ध लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी निश्चित किया है कि प्रत्येक वार्ड में हम लोग जनप्रतिनिधियों की वार्ड समितियाँ बना रहे हैं, और वार्ड समितियों के माध्यम से जनप्रतिनिधि वहाँ पर घर घर जाएंगे, लोगों को मास्क लगाने के प्रति प्रेरित करेंगे, सोशल डिस्टेंस के प्रति, साबुन से हाथ धोने के प्रति। तो ये जो अभियान चल रहा है इसमें अभी तक हम लोग 1,47,000 मास्क कल तक लोगों को दे चुके हैं निःशुल्क, और ये 14 अगस्त तक अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना का बचाव का सबसे सशक्त माध्यम मास्क है, बाकी चीज़ें भी हैं पर मास्क उसमें सबसे पहले है, और इसलिए हम लोग ये प्रत्येक नगरीय क्षेत्र में निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं।